नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम कुछ नया करने जा रहे हैं। आज जो हम रेसिपी बताने वाले हैं, वह मैं नहीं वह कोई और बताने वाला है, जिसका नाम है सुजाता अडविलकर, जो अपना एक छोटा सा कैटरिंग बिजनेस रन करती है, जिसकी स्पेशलिटी है वेजिटेबल बिरयानी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सुजाता तैयार हो ना? बिल्कुल। चलो तो सबसे पहले हमें लिया है एक बड़ा सा टोप, जिसमें 2 से 2.5 लीटर पानी लिया है। अब मैं गैस ऑन करती हूँ। अब सुजाता इसमें क्या क्या डालने वाली हो? 5 मिली ओम दालचीनी आणि तेजपत्ता। दो से तीन तेजपत्ता डाला है, 4 से 5 काली मिर्ची है और 3 से 4 लवंग है और 2 इंच दालचीनी के टुकड़े। बड़ा 1 चम्मच नमक डाली, 1 बड़ा चम्मच नमक। इस पानी का उबाल आने के बाद हम इसमें चावल डालेंगे। तो सुजाता ये कौन से चावल लिए और कितने लिए हैं? बासमती चावल है, 2 कप है। पहले 1 घंटा मैंने भिगाया था। बिरयानी बनाने के लिए सुजाता ने लिया है 1 कप गाजर, 1 कप ग्रीन पीस, धनिया पत्ती, 1 कप शिमला मिर्च, 1 कप बीन्स, फ्राई किए हुए ऑनियन, 8 से 10 काजू के टुकड़े, 3 से 4 हरी मिर्च, 10 से 12 लहसुन, 2 बड़े चम्मच अदरक, 8-10 केसर के धागे, जिसको सुजाता ने आधे घंटे पहले ही दूध में भिगो दिया है। कुछ गरम मसाले लिए हैं, इलायची, दालचीनी, लवंग, काली मिर्च, तेजपत्ता और स्टार्च। ग्रेवी के लिए इन्होंने लिया है 4 बड़े प्याज और 4 टमाटर। उबाल आ चुका है, सुजाता अब चावल डाल रही है। पहले लहसुन, अदरक और मिर्ची, इसमें पहले हम लोग बारीक पीसने वाले हैं। लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची को बारीक पीसने वाली है। चावल को हमें ज्यादा नहीं पकाना है। 2 उबाल आ चुका है, अब हम इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए, अगर 2 टुकड़े हो जाते हैं तो चावल बन गए। अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ। अब हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे। जब तक चावल ठंडे होते हैं, तब तक हम इसकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। तो ग्रेवी बनाने के लिए हमने लिया है 1 कढ़ाई, गैस ऑन करेंगे। अब सुजाता क्या डालने वाली हो? सबसे पहले 4 चम्मच तेल। ओके, तो सुजाता ने 4 बड़े चम्मच तेल डाला है। 4 चम्मच में तूप रखती है। 1 बड़ा चम्मच घी डाल रही है, जिससे कि बिरयानी का टेस्ट बहुत ही अच्छा है। और पहले तेज पत्ता, सबसे पहले डाला है तेज पत्ता और ये काली मिर्च, काली मिर्च, लवंग, काली लवंग, दालचीनी, दालचीनी, इलायची आणि हे स्टार्च। ये सब लोग भाजून घेणार। 1 मिनट तक इनको चलाएंगे और उसके बाद इसमें डालेंगे काजू के टुकड़े। तभी ढकना काजू, काजू का सुनहरा कलर आने तक हम इसे भूनेंगे। हाँ, तो कलर आ चुका है सुजाता, अब तुम क्या डाल रही हो? कांदा, पहले प्याज। प्याज को भूनते हुए 4 मिनट हो चुके हैं और प्याज का कलर भी चेंज हो गया है। सुजाता अब क्या डालने वाली हो? अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छा, ये अदरक लहसुन का पेस्ट जो हमने पहले बारीक पीस लिया था, वो ही अब डाल रही है। आता मैं टोमेटो ढकना। ओके, मी आता मीठ ढकना 2 चमचे, 2 बड़े चम्मच नमक, गैस का फ्लेम मीडियम है। 2 मिनट तक इसे ढक्कन लगाकर पकाएंगे। तो चलिए चेक कर लेते हैं। ये देखिए आप, टमाटर बिल्कुल ही सॉफ्ट हो चुके हैं। तो सुजाता आप इसमें क्या डालने वाली हो? 1 चम्मच बिरयानी मसाला, 1 छोटा चम्मच बिरयानी मसाला, गरम मसाला डालो, 1 चम्मच गरम मसाला, 2 चम्मच में लाल, 2 छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आता मैं सभी भाजा डालता। तो आप सब सब्जी डालने वाली हो? मटर, मटर, बीन्स, गाजर, शिमला मिर्च और शिमला मिर्च, इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे।
मी आता पावभाजीचा एक चमचा मसाला टाकते आहे, गरज असेल तर तुम्ही टाका, आम्ही टाकतो। एक छोटा चम्मच पावभाजी मसाला डाला है, ये ऑप्शनल है, आप पसंद करते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं तो अवॉइड भी कर सकते हैं। इससे बिरयानी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो सुजाता, अब इन सब्जियों को कितने टाइम पकाना है? 15 मिनट। गैस की फ्लेम स्लो है और ढक्कन लगा दिया है, जब तक सब्जियां सॉफ्ट नहीं होती है तब तक हम इसे पकाएंगे और बीच में इसको चेक करते रहेंगे। जब तक बिरयानी की ग्रेवी बनती है तब तक हम रायता बना लेते हैं। उसके लिए मैंने लिया है 1 कप दही, इसे मैं अच्छे से फेंट लूंगी। अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, अब मैं इसमें डालूंगी सेंधा नमक, सादा नमक, पुदीने के पत्ते जिसको मैंने बारीक कट कर लिया है, धनिया पत्ती, जीरा पाउडर, शुगर पाउडर, ये ऑप्शनल है, आप पसंद करते हैं तो डालिए वरना स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं इन सबको अच्छे से फेंट लूंगी। तो लीजिए, तैयार है मिंट रायता, ये इस बिरयानी के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम ग्रेवी को चेक कर लेते हैं। वाह, क्या खुशबू आ रही है, मैं तो अपने आप को रोक ही नहीं सकती, मैं खाऊं लगा अंदर बोला हूँ। तो सब्जियां अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, अब हम गैस को बंद कर देंगे। हाँ तो सुजाता, इस पूरी बिरयानी को बनने में कितना समय लगता है? 1 घंटा। ओके, आता मी ना कढईला तेल लावून घेते जे कुठे लागू नये म्हणून। तो अब हम बिरयानी की लेयरिंग करेंगे, इसके लिए कढ़ाई को ग्रीसिंग करेंगे ऑयल से। मी आता कच्च्या बटाट्याची कापा आता केली आहे, मी आता लावून घेते। ओके, बिरयानी जले नहीं इसके लिए कच्चे आलू के स्लाइसेस रख रहे हैं नीचे। आता भात आहे ना, मी आता असं पसरून घेते आहे। तो सबसे पहले चावल की लेयरिंग करेंगे, त्याच्यावर आता मी हा खांदा टाकणार, असं पसरून ठेवणार आहे, आणि त्याच्यावर परत मी भात थोडासा टाकणार। इसके ऊपर इन्होंने डाला है फ्राई ऑनियन, मी आता थोडा परत वरती भात टाकणार असा, और इसके ऊपर वापस चावल की लेयर की है। आता मी याच्यावर भाजी। ओके, इसके ऊपर आप डाल रहे हैं ग्रेवी। आता वरती परत मी भात टाकणार, इसके ऊपर वापस चावल की लेयरिंग करेंगे। परत कांदा टाकणार मी थोडा, फिर से वो फ्राई ऑनियन डालेंगे, परत थोडासा भात वरती टाकणार, थोडासा चावल, हे तर केसर मी आता वरून टाकणार। अभी डाल रहे केसर जो कि हमने दूध में पहले से ही भिगो के रखी है, इसी से तो बनती है बिरयानी कलरफुल। अब इसी प्रोसेस को वापस रिपीट करते हैं। तो अब गैस की फ्लेम मीडियम है और ढक्कन लगा दिया है, अब हम इसको 10 से 15 मिनट तक स्लो फ्लेम पर ही पकने देंगे, जिससे कि सारे मसालों का फ्लेवर चावल में अच्छे से आ जाए। तो चलिए चेक कर लेते हैं। वाह, क्या खुशबू आ रही है बिरयानी की। अब हम इसे धनिया पत्ती से गार्निशिंग कर लेंगे। प्लेट में हम इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। मिंट रायता के साथ में मैंने इसको सर्व किया है, बस अब मैं वेट नहीं कर सकती हूँ। वाओ, अमेजिंग।
बहुत अच्छा बना। आता तुम्ही मला बोलवल्याबद्दल धन्यवाद, एवढ्या मला तुम्ही लांबून बोलवलं त्याच्यासाठी तुमचे आधी आभार मानते मी। कोणाला सांगून जर तुम्ही असं जर मला जर तुम्ही हे केलात तर माझी पण पुढे जरी असं पुढे येऊ शकते, तर तुमच्यासाठी धन्यवाद। आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। एक बार आप इस रेसिपी को बनाएंगे तो 100% रेस्टोरेंट की बिरयानी मंगाना भूल जाएंगे। तुम्हारे साथ शो करके मुझे बहुत ही मजा आया और तुम्हें बहुत ही अच्छी बिरयानी बनी है। थैंक यू।